रहमान रहीम, 10th मैथमेटिक्स। इसमें एक्सरसाइज 1.1, इसमें सबसे पहले वाला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास कुछ इस तरह से है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये वाले जो क्वेश्चन है, पार्ट्स हैं, ये किसी और फॉर्म में, फैक्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो आपने हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि इनको सॉल्व करके आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और मुझे बताएं कि क्या इसमें कोई प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है कि नहीं बन रही। तो सबसे पहले समझने के लिए हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 लेते हैं, ठीक है। तो पार्ट 1 को अगर गौर करके देखें तो मेरे पास कुछ इस तरह से है, x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 7। ये मेरे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 1। इसको आपने बनाना है क्या, एक तो बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म एक तो बनाना है इसको। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, इसमें ए बी सी ये तीन वेरिएबल हैं, यानी यहाँ पे कोई भी वैल्यूज आ सकती हैं, डन। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इनको सॉल्व करके आपने इस फॉर्म में बनाना है। अगर बिलफर्ज इसमें से बी आपका हो जाता है ज़ीरो, यानी एक्स वाली वैल्यू ख़त्म हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास बन जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस सी दैट इज इक्वल टू ज़ीरो, तो इसको बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपने बताना है कि क्या ये क्वेश्चन मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्म की स्टैंडर्ड फॉर्म है या फिर प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये वाली फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहली और दूसरे जो फैक्टर है इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास होता है पहले फैक्टर की पहली वैल्यू इंटू दूसरे की सारी लिख लें, एक्स माइनस थ्री प्लस ये वाला 7, बहुत सिंपल है, ये मल्टीप्लीकेशन पहले भी आपने सीखी हुई है। सो इंटू एक्स माइनस थ्री दैट इज इक्वल टू माइनस 7। एक्स और एक्स मल्टीप्लाई होंगे तो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एंड 3, और एक्स मल्टीप्लाई हुआ तो मेरे पास आ गया 3x प्लस 7 एंड x मल्टीप्लाई हुआ तो 7x प्लस माइनस माइनस 7 3 द 21 दैट इज इक्वल टू माइनस 7, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर देखे फॉर्म मैंने क्या बनानी है, एक्स स्क्वायर वाली पहले, फिर एक्स वाली, फिर बगैर एक्स के इज इक्वल टू द 0। तो एक्स स्क्वायर वाली a की वैल्यू, तो मैंने ये लिख ली एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 7x है एंड माइनस 3x है, तो साइन आएगा बड़ी वैल्यू का दैट इज प्लस, तो 7 में से 3 गया, बाकी आपके पास बच गया 4x। यहाँ पे माइनस 21 है, ये वाला माइनस 7 है, ये इधर आएगा तो प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 0। क्यों मैंने इधर लाया, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे 0 है। सो यहाँ पे आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये प्लस माइनस है तो बड़ी वैल्यू का साइन आएगा जो कि है मेरा माइनस 21, तो माइनस साइन आ गया, 21 में से 7 नेग्लेक्ट हुआ तो बाकी आपके पास बच गया ऑलमोस्ट क्या 14 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये इससे फर्दर सॉल्व नहीं हो सकती, तो ये देखे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी पहले एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू, फिर एक्स वाली, फिर बगैर एक्स के, तो ये हमारी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये मेरी आपने बताना है पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक, ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो यही आपका आंसर है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। थैंक यू मैडम। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपने इन क्वेश्चन को बनाना है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसमें पार्ट 1 कर लिया, पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। तो इसको सिंपल, ये हमारी आ गई है फ्रैक्शनल इक्वेशन, जिसमें फ्रैक्शन आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, हमारे पास, मैं पहले टर्म्स लिख लेता हूँ वैल्यूज। तो यहाँ पे मेरे पास इसका पार्ट 4 कुछ इस तरह से है, x प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको आपने इस फॉर्म में बनाना है, ये वाली फॉर्म इसकी बनानी है, ठीक है। तो ये वाली फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस सारी इक्वेशन के अंदर जो आपका एलसीएम आ रहा होगा, फ्रैक्शनल इक्वेशन को सिंपल इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या स्टेप करते हैं कि फ्रैक्शन में जो भी आपके डिनोमिनेटर में एलसीएम बन रहा हो, उसको आप लोग क्या करते हो, उसका एलसीएम लेके सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे गौर करके देखें तो इसका एलसीएम आ रहा है, देखिए ये वाला 1 है, ये एक्स है, और ये एक्स माइनस 2 है। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, दैट इज यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मल्टीप्लाई बाय ये वाला एक्स माइनस 2
इन टू एक्स, तो ये वन लिखें या ना लिखें, ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, बोथ साइड्स, इन दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये देखें इधर मल्टीप्लाई करते हुए हम क्या करेंगे, एक्स माइनस टू इन टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय इधर एक्स प्लस फोर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू, ये वाली पहली टर्म होगी है माइनस ये वाला, अब दूसरी टर्म के साथ इसी को मल्टीप्लाई करना है, सो एक्स माइनस टू इंटू एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है, ये वाला प्लस, तो यहाँ पे प्लस दोबारा से ये वाली एक्स माइनस टू इंटू एक्स मल्टीप्लाइड बाई फोर, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे जीरो के साथ में मल्टीप्लाई होगी तो जीरो बन जाएगी सारी, ये कटिंग हो जाएगी एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू के साथ गया, बाकी जो बच गया वो है आपके पास एक्स इंटू यहाँ पे एक्स प्लस फोर इस टर्म के अंदर माइनस यहाँ पे एक्स एक्स के साथ गया, तो आपके पास जो बच गया वो बच गया एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू प्लस यहाँ पे आपके पास क्या बच गया, इधर कुछ भी नहीं कट हो रहा, तो यहाँ पे आपके पास फोर इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आपके पास बन गया एक्स माइनस टू, फोर और एक्स मल्टीप्लाई हुआ तो आपके पास आ गया जी फोर एक्स दैट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स प्लस फोर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल नहीं आएगा तो सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स मल्टीप्लाई करके यहाँ पे माइनस, पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे जो आंसर आएगा उसको माइनस की नस्बत से खोल के फिर लिख लेंगे, तो यहाँ पे इस ब्रैकेट लगा लेते हैं x और x मल्टीप्लाई हुआ तो मेरे पास आगे देखें मल्टीप्लाई किसको कर रहा हूँ x माइनस टू को और x माइनस टू को, मेरे पास एक तो ऑप्शन ये है कि इन दोनों को x माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई x माइनस टू है तो x माइनस टू का होल स्क्वायर कर दो, लेकिन मैंने ऐसे नहीं करना क्योंकि मैंने x और x स्क्वायर वाली वैल्यूज मुझे चाहिए इधर, तो x और x मल्टीप्लाई हो तो मेरे पास आ गया x स्क्वायर प्लस एंड माइनस, तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस टू एक्स माइनस एंड प्लस, तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस टू एक्स माइनस माइनस प्लस एंड टू टू द मेरे पास आ गया फोर, डन, तो यहाँ पे आपके पास आ गया लास्ट पे 4x ने x माइनस टू के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो यहाँ पे प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो यहाँ पे आ गया 4 और x मल्टीप्लाई होके 4x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 टू द मेरे पास 8 और साथ में आ गया x दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है, अब मेरे पास क्या वैल्यूज बन रही है, यहाँ पे आ गई x स्क्वायर प्लस 4x ये वाली माइनस की वजह से खुलेंगे तो अंदर वाली जितनी वैल्यू थे उनके साइन उल्ट हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, ये प्लस था तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे ये माइनस है ये प्लस टू एक्स हो गया, ये वाला माइनस टू एक्स है तो ये मेरे पास हो गया प्लस टू एक्स, यहाँ पे प्लस प्लस फोर था तो ये मेरे पास हो गया माइनस फोर, ठीक है, ये वाला मेरे पास प्लस फोर एक्स स्क्वायर है और ये मेरे पास माइनस एट एक्स दैट इज इक्वल टू जीरो, अब जो एक्स स्क्वायर वाली है उनको आपस में प्लस माइनस कर लेंगे, जो एक्स वाली है उनको आपस में प्लस माइनस और जो कांस्टेंट है उनको आपस में प्लस माइनस, यानी कि लाइक टर्म्स को इकट्ठे करके उनकी कैलकुलेशन कर लेंगे, तो पहले हम इकट्ठे कर लेते हैं या डायरेक्ट कर लें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये प्लस एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर आपस में कट गए, बाकी जो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू बच रही है वो बच रही है आपके पास सिर्फ और सिर्फ फोर एक्स स्क्वायर, ठीक है, फोर एक्स स्क्वायर इधर आ गई, यहाँ पे देखें जी प्लस टू एंड प्लस टू ये आपके पास हो गया फोर एक्स, तो ये वाला पहले आपके पास 4x ये वाला है और दूसरा आपके पास प्लस टू एंड प्लस टू आपके पास आ गया प्लस 4x, ठीक है, ये वाला माइनस 4 एंड यहाँ से माइनस 8x दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो फर्दर जो आपके पास बन गया वो बन गया 4x स्क्वायर, ये वाला प्लस प्लस हो गया मेरे पास हो गया प्लस 8x, ये वाला माइनस 8x इसके साथ आया एंड माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0, तो 8x प्लस का एंड माइनस का ये कट गया तो बाकी आपके पास बच गया 4x स्क्वायर माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 4 इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो इधर से अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ तो आपके पास बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये वाला स्टेप एक्स्ट्रा ना भी करें तो आंसर मुझे मिल गया, ठीक है, यहाँ पे क्या मेरे पास आ गया 4 कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0, तो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाकर डिवाइड होगा तो ये खत्म हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये वाला स्टेप अगर ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी थी तो वो बन गई है, ओके, अब इधर आपने बताना था कि क्या ये प्योर फॉर्म है, तो मैंने यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी अगर हो इक्वल टू जीरो तो इसको हम आप बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें ए बी सी जीरो नहीं होने चाहिए। बिल फर्द अगर ये वाला बी जीरो हो जाता है यानी कि एक्स वाली टर्म आपकी ख़त्म हो जाती है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू जीरो बच रहा हो तो इसको आप लोग बोलते हो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर वाली और कांस्टेंट इक्वल टू जीरो तो ये मेरी किस फॉर्म में है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। यस इट इज इन प्योर इट इज अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन डन। तो यही आपका आंसर है। सो थैंक यू वेरी मच।